नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ कि माला और आसन की सिद्धि और शुद्धिकरण, देवताओं की कृपा, सिद्ध होने के बाद देवता की उसी आसन पे पूछा आना वही माला आपकी कार्य करती है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फंसना विस्तु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तीन मेरे चैनल है गुरु गोखना शिव गुरु नौना चौरासी, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। याद रखना सबसे ज़्यादा वीडियो सनी नाथ और नौना चौरासी सिद्ध पे आते, दोनों चैनल को सपोर्ट और यानी कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। जब भी मैं लाइव आऊँ फ्री मेरे साथ बात कर सकते हो आप, अदरवाइज सारी सर्विस पेड है, उनकी जानकारी वेबसाइट और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी धर्मों का आदर्शकार मन करते हो और व्यक्ति के धारे को ध्यान में रखते हो, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। कोई भी साधना सिद्धि पूर्ण रूप से दीक्षा अरदास लगवा के अथवा किसी गुरु के स्नेह में कर सकते हो आप। माला आसन और सिद्धि और शुद्धिकरण, सर्वप्रथम कोई भी साधना सिद्धि में बैठने से पहले अगर आप कर्म कांडी के अनुसार चलना चाहते हो, वैदिक मंत्र को लेते हो, तो उसमें आपको माला का पूर्ण रूप से बोलते हैं विधान जो होता है वो करना पड़ता है, माला को शुद्धिकरण करना पड़ता है और आसन को आपको शुद्धिकरण पड़ता है। उसमें आचमन आते हैं वो आपको करके ही, और आपको हर एक प्रकार की क्रिया का प्रयोग करने के बाद ही आप मंत्र का वो बोलते हैं जब कर सकते हैं। शाबरी विद्या में आप डायरेक्टली प्रयोग करते हो, लेकिन कुछ लोग क्या है जो नेट से या किताब से या बुक से या कहीं किसी के मुख से मंत्र प्राप्त करके जो सीधे ही उन मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं, वो लोग कभी साधना में सफल नहीं हो पाते। उनका कारण होता है क्योंकि बिना गुरु के अगर आप चलोगे और बिना आप नियमों के चलोगे तो कभी भी साधना में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। जो लोग साधना में सफल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे पहली बार में ही देवताओं के दर्शन हो जाएं, मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, वो अपनी माला को शुद्ध करेंगे। माला शुद्धिकरण के लिए आप मेरी वेबसाइट sannynathsharma.blogspot.com पे विजिट करके वहाँ पे आपको मंत्र और विधि विधान लिखित में मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि माला को कैसे शुद्ध करना है। आसन सिद्धि का क्या होता है कि आसन के ऊपर बैठ के आपको जप करना है। जिस आसन के ऊपर आप बैठते हो उस आसन पे सिर्फ आपने ही बैठना है, अन्य कोई व्यक्ति चाहे आपका घर का मेंबर हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति उस आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, यानी अन्य को वो आसन देना ही नहीं है। आसन के ऊपर जब आपने कार्य करना है, आसन को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके आपने आसन के ऊपर बैठना है और आसन के ऊपर बैठ के आपने आसन मंत्र का प्रयोग करना, जैसे कि मन मारूं मैदा करूं करूं चकनाचूर, पांचमेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसन पर, श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश, पाले गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आदेश। ये मंत्र जो है वो वेबसाइट पर लिखे, तो आसन के कुछ और मंत्र है, तीन और मंत्र है जो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, तो sannynathsharma.blogspot.com वहीं वेबसाइट पे विजिट करना। और जो लोगों के सपनों में कुछ चीज़ें अटपटी दिखाई देती हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो चैनल को इसी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें। जब भी मैं लाइव आता हूँ नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप लाइव में अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। बाकी की सारी सर्विस पेड है, ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। साधना सिद्धि गुरु सिद्धि में होती है, बिना गुरु के मंत्रों का उच्चारण कभी भी पूर्ण फल नहीं देता है। अगर भक्ति कर्म करनी है तो ओम नमः शिवाय जप लो, सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर कृपा भी रहेगी, कोई नियम भी नहीं होता। सो आदेश दिस जय गुरुनाथ।